नमस्कार, दर्श न्यूज पर खबरें फटाफट देख रहे हैं आप, जहां कम समय में ज्यादा खबरें लेकर आता है दर्श न्यूज। मैं प्रीति दयाल, तो चलिए बिना देर किए सीधे बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। बिहार लोक सेवा आयोग ने सोमवार की शाम 78वीं बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में 322 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। 78वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत मुख्य परीक्षा में सफल घोषित कुल 867 उम्मीदवारों का साक्षात्कार 8 से 15 जनवरी के बीच संपन्न हुआ। साक्षात्कार में कुल 817 उम्मीदवार शामिल हुए और 50 उम्मीदवार अनुपस्थित रहे। जारी रिजल्ट को देखें तो एक बार फिर महिलाओं का दबदबा दिख रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज यानी कि 16 जनवरी को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कई प्रस्तावों पर सरकार अपनी स्वीकृति देगी। अलग अलग विभागों के अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। कैबिनेट विभाग की तरफ से बैठक को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बाद सुरक्षा में तैनात स्निफर डॉग ने भी अब बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा का आशीर्वाद ले लिया है। दलाई लामा को सैल्यूट करके भी उसने दिखाया है, इसकी कुछ तस्वीरें सामने आई है। बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं को जवाब देते हुए आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि हम जब से सत्ता में आए हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार बनी है। हर दिन बताया जाता है कि सरकार आज गई, कल गई, लेकिन लंबी लकीर खींची जा रही है। एक तरफ धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है और एक तरफ धर्म का जो असली मर्म है, रोजगार, महंगाई, सामाजिक सौहार्द, उस पर बातचीत हो रही है। उनकी और हमारी राजनीति में ये फर्क है। गया जिले में धीरे धीरे लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जिले में 6 नए कोरोना संक्रमित मिलने के बाद मरीजों की संख्या 36 तक पहुंच गई है। वहीं वर्तमान समय में जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 14 है। आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट में सभी संक्रमित पाए गए हैं। इधर बिहार में ठंड का मौसम हवाई और रेल यात्रा को पूरी तरह से प्रभावित कर रहा है। कोहरे ने विमान और ट्रेनों के सेवाओं को बेपटरी कर दिया है। पटना की फ्लाइट्स लगातार रद्द हो रही है और ट्रेनों की चाल गड़बड़ा गई है। सोमवार को पटना आने जाने वाले 18 फ्लाइट रद्द रही। इन विमानों के रद्द होने की वजह से लगभग 3000 यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। वहीं तेजस, राजधानी, संपूर्ण क्रांति, मगध जैसी ट्रेनों के लेट होने से रेल यात्रियों की मुसीबत भी बढ़ गई है। यात्रा के दौरान खाने और पीने की समस्या के अलावा उन्हें प्लेटफॉर्म पर घंटों समय गुजारना पड़ रहा है। जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के 8वें समन और पत्र का जवाब दे दिया है। सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को पूछताछ के लिए 20 जनवरी को सीएम हाउस में ही बुलाया है। सोमवार की दोपहर मुख्यमंत्री सचिवालय का विशेष दूत सीएम का जवाबी गोपनीय पत्र लेकर ईडी के रांची जोनल ऑफिस पहुंचा। पत्र मिलने के बाद ईडी के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दिल्ली मुख्यालय को दे दी है। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आज से ही पूजन विधि शुरू हो जाएगी। 18 जनवरी को उस प्रतिमा को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को की जाएगी। अब खबर खेल जगत की। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरे देश में गजब का उत्साह है। क्रिकेट जगत के कई बड़े सितारों को भी समारोह का निमंत्रण मिला है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली, भारत को 3 आईसीसी ट्रॉफी जिताने वाले महेंद्र सिंह धोनी और भारत के दिग्गज स्पिनर रहे हरभजन सिंह को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रण दिया गया है। हालांकि इनमें से कौन कौन अयोध्या जाएंगे अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। अब खबर मनोरंजन जगत की। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के नामांकन की घोषणा हो गई है।
हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में शाहरुख खान की फिल्म पठान का नामो निशान तक नहीं है। हालांकि जवान और डंकी के लिए शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में दो बार नॉमिनेट किया गया है। साथ ही लोगों द्वारा पसंद की गई 12वीं फेल को कई सारे कैटेगरीज में नामांकन मिले हैं। वहीं रणबीर कपूर और बॉबी देओल की फिल्म एनिमल 19 कैटेगरी में शामिल हुई है। अब खबर मौसम के मिजाज की। बिहार के अधिकांश हिस्से में कोहरे के साथ शीतलहर जारी है। भीषण ठंड का कहर कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही है। सर्दी पूरे शबाब पर है। हाड़ कपा देने वाली ठंड ने आम लोगों को घर में दुबकने को मजबूर कर दिया है। ठंडी हवाओं के कारण कनकनी बरकरार है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आलम यह है कि झलक दिखाकर भगवान सूर्य गायब हो जा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए दर्श न्यूज़।